बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस आंकड़े के सामने आते ही बिहार के साथ पूरे देश की सियासत में हलचल मच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। पीएम मोदी ने इसे देश बांटने वाला बताया तो वहीं राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक जैसी बातें लिखी। राजनीतिक पार्टियों के बयानों से ये अंदाजा लग रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगला लोकसभा चुनाव धर्म बनाम जाति की धुन पर लड़ा जाएगा। बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े आने के बाद इंडिया गठबंधन इसके आधार पर चुनावी बिसात बिछाने में जुट गया है। लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जाति जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होगी। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कल से कांग्रेस ने एक नया राग आलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं कि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो गरीब है, इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। प्रधानमंत्री के बयानों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि विपक्ष ने जाति वाला नमक डालकर बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की मिली जुली खिचड़ी को खराब करने की कोशिश की है। जाति पर विपक्ष एकजुट। बिहार की जाति आधारित गणना के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की आबादी में 63.13% ओबीसी है। इसमें 36.01% ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27.12% ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग है। वहीं 19.65% अनुसूचित जाति की आबादी है। दिलचस्प बात ये भी है कि इंडिया गठबंधन में विभिन्न मुद्दों पर भले ही थोड़ा बहुत मतभेद रहा हो, जाति के मुद्दे पर ऐसा नहीं दिखता। चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी, जेडीयू या फिर समाजवादी पार्टी, जाति जनगणना को लेकर सभी एक राय हैं। ओबीसी बनेगा विपक्ष का हथियार। जाति जनगणना के आंकड़े सामने आते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट आया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी 84% है। उन्होंने केंद्र के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी के मुद्दे को भी उठाया और भारत के जातिगत आंकड़े जानने की बात पर जोर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। इससे साफ होता है कि इंडिया गठबंधन आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। विधानसभा चुनाव में भी चलेंगे दांव। राहुल गांधी लगातार ओबीसी समुदाय को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ये दांव चलने का इरादा बनाया हुआ है। राहुल गांधी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार बनने पर जाति सर्वे कराए जाने की बात कही थी। इससे ये तय हो जाता है कि बीजेपी के हिंदुत्व वाली सियासत को ओबीसी के हथियार से मात देने की तैयारी विपक्ष कर रहा है।